सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज के तुम्हें स्वागत है आप सभी का नई फ्रेंड वीडियो में। आज हम बात करने जाने वाले नेटवर्क्स वगैरह के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रही है इनकी सर्विसेज, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है और कहीं चीज़ें नहीं आ रही है, तो उनके बारे में तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ नेटवर्क्स के बारे में कि आजकल कई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं, लगा लीजिए एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, और बीएसएनएल को हम साइड में रखें क्योंकि बीएसएनएल में इतने नेटवर्क्स नहीं है अभी। इन सब में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मेन ये है कि यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एरिया बहुत कम है, टावर्स पर ध्यान देना चाहिए, और जिस हिसाब से प्राइजिंग इन्होंने रखी है थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसी प्राइजिंग रखी थी कि भाई लोग सोच रहे थे कि भाई क्या है ये, 1 GB 250 रुपये में, 200 रुपये में। मगर फिर जियो ने आके, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि जियो ने आके थोड़ा सुधार किया और जियो ने बढ़िया किया इसको। ये एक अच्छी बात है कि जियो के आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है, मगर अगर देखा जाए तो ये बात एक वो भी है कि अगर जियो नहीं आता तो आज ये प्राइसिंग नहीं होती, शायद इससे भी ज़्यादा प्राइसिंग होती, और 1 GB पता नहीं कितने की मिलती, और 5G आते टाइम जियो ने काफ़ी किया। मगर अब जो यूजर्स बढ़ रहे हैं, जियो नहीं एयरटेल आइडिया सभी में यूजर्स बढ़ रहे हैं, एक तो यूज़र बढ़ रहे हैं और ऊपर से इन्होंने नई स्कीम ले गई है, आप सभी ने सुना होगा कि भी रिचार्ज कराना पड़ेगा आपको मंथली। चलो नेटवर्क के हिसाब से सही है, क्योंकि कईयों ने जियो के सिम ले रखे थे तो उसकी वजह से रिचार्ज नहीं कराते थे तो कंपनी को ये एक्शन लेना पड़ा। मगर अगर रिचार्ज करवा रहे हैं लोग और लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा ये है, तो उस हिसाब से सर्विस देनी चाहिए इनको। मेरा ये ओपिनियन कि भाई सर्विस इनको इतनी बढ़िया करनी चाहिए कि अगर ये हर मंथ कहते हैं कि रिचार्ज कराए तो सर्विस भी वैसी दे दें कि इनको रिचार्ज हम करवाए, और पोर्ट करवाए किस में कराए। कोई भी कंपनी इस टाइम पे सही नहीं चल रही है, बाकी एरिया में कहूँ या नहीं, हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, हरियाणा में करनाल में बहुत बुरा हाल है, मतलब नहीं चल रही बिल्कुल भी नेटवर्क। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, और आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम, या कॉल बिगर कॉल मिलती नहीं, मिलती है तो आवाज़ सही से नहीं होती, आवाज़ सही हो तो कई बार किसी और को मिल जाती है, और कई बार ऐसे होता है नेट नहीं चलता, फ़ोन स्विच ऑफ फ़ोन करके कर करना पड़ता है, फ्लाइट मोड पे डालना पड़ता है, कई प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क कई बार चलता नहीं, नेटवर्क कभी बार मिलता नहीं, एक मैसेज तक नहीं जाता, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, और अगर हम फोटो एक लोड करें उसमें काफ़ी टाइम लगता है, एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और भी कई चीज़ें हो रही है, मतलब इतनी प्रॉब्लम बढ़े जा रही है नेटवर्क को लेके। पहले अगर यूजर्स कम थे रेट ज़्यादा थे, इसलिए यूजर्स कम थे, अब रेट कम है यूजर ज़्यादा है, तो इस बारे में ये नहीं कि भी रेट बढ़ा दे, कुछ तो करे। अगर रेट ले रहे हैं 35 महीने का ले रहे हैं, अगर लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, अगर मिनिमम रिचार्ज इन्होंने 35 का रखा है तो बहुत कमा रहे हैं ये उस हिसाब से। अगर क्योंकि हर कोई 35 का तो कराता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर मंथ क्या पता कोई 3 महीने वाला बिक रहा है जो 399 या जितने भी जो जो स्कीमें चल रही है हर कंपनियों की, 399 3898 या जो भी स्कीम है 3 महीने वाली वो करवाते हैं मोस्टली लोग अब। तो यही बात है ना, दो दो सिम सबके पास है, एक सिम है जो बैंक वगैरह सभी में दे रखा है, और एक सिम है जो अपने पर्सनल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो बैंक वाले जो सिम थे उनमें पहले रिचार्ज नहीं कराते थे तो ऐसे ही चल जाता था, अब कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी हो गया तो रिचार्ज उनको कराना पड़ता है, और रिचार्ज कराने हर मंथ दो सिम रखना फिर तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर मंथ अगर एक बात हमने नोटिस किया कि अगर हम 399 दे रहे हैं 3 मंथ के तो हमको ज़्यादा लगता नहीं, हर मंथ अगर हम 35 दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत फील होता है कि भाई हर मंथ 35 जा रहे हैं। ये भी नहीं है कि भी हम 399 दोनों के रिचार्ज करा के और चला सकते हैं, क्योंकि किस बात के, इतना तो हमारा नेट यूज़ भी नहीं होता, और दो दो नेटवर्क का क्या करना है। मगर लोग बंद भी करा सकते क्योंकि दो दो अब उनको कंपलसरी है, उनको आदत हो गया, मोस्टली इंडिया में यही होता है कि दो नेटवर्क हर कोई यूज़ कर रहा है, दो सिम हर किसी के, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस के काम के लिए होता है, कई बार एक बैंक के लिए अलग भी होता है, मतलब चल रहा है ऐसा, और पता नहीं कब तक चलेगा, किसी के पास 3-3 सिम भी है, और इस हिसाब से अगर देखें नेटवर्क बढ़ रहे तो जब ये नेटवर्क ले रहे हैं या तो लेना बंद कर दे, अगर नेटवर्क बढ़ रहे हैं तो ये नए सिम निकालना बंद कर दे, कुछ तो करे, अगर ये नहीं कर सकते तो नेटवर्क तो बढ़िया करे, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से इस बात को हो चुके हैं
चार पांच महीने हो चुके हैं इस बात को कि भाई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो कॉल ड्रॉपिंग की आती थी, कॉल कहीं और कनेक्ट रहती थी, वो तो साल हो गया उसको अभी तक ठीक नहीं किया। और दूसरी बात, अब तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आने लगी आने वाले टाइम में, पता नहीं क्या होगा। यहाँ 5G आने वाला है और ये 4G और 3G में ऐसी हरकतें हो रही है, तो क्या करें। इस टाइम पे सबसे बढ़िया चल रही है तो दो ही कंपनियां मेरे ओपिनियन में, टाटा डोकोमो और BSNL, क्योंकि यूजर्स कम है और 3G है तब भी उसकी 4G से बढ़िया स्पीड चल रही है, मैंने देखा करनाल में तो नोटिस किया मैंने, बाकी शहरों में मैं कह नहीं सकता। मगर ये बात है, मुझे लगता है कि भाई कंपनियों को कुछ करना चाहिए। आपके क्या ओपिनियंस है, जो मेरे साथ है उनके क्या ओपिनियंस है कि कौन सा नेटवर्क बढ़िया है, और आपके भी ये सेम प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि कंपनी को पता चले कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करें। कम से कम मैंने कल परसों फ़ोन किया था कस्टमर केयर को, तो उनसे काफ़ी देर मेरी बात हुई, वो कह रहे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके यूजर्स ज़्यादा है तो मतलब आपके एरिया में यूजर ज़्यादा है। भाई ये क्या बात बनी कि यूजर ज़्यादा है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये तो तुमको देखना चाहिए कि भाई यूजर ज़्यादा है तो नेटवर्क कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए नेटवर्क तो टावर्स बढ़ाए, टावर रिपेयर करे या कुछ तो करे कि भाई यूजर ज़्यादा, ये कुछ वो नहीं हुआ कि आपके यहाँ यूजर ज़्यादा तो हम नेटवर्क सही नहीं दे सकते। कंपनी इतनी बढ़िया है, इतनी बड़ी स्टैंड करती है, तो यूजर्स ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसे हो तो कुछ बना नहीं, नेटवर्क लोग वो ही करेंगे पोर्ट, मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे कि पोर्ट करवा ले हम सिम, तो पोर्ट करा के भी क्या करें, मैं नेटवर्क का तो नाम नहीं लुआ मगर पोर्ट करा के भी हम क्या करें उसको, दूसरे नेटवर्क में भी सेम प्रॉब्लम हुई तो। हाँ कई नेटवर्क बढ़िया चल रहे हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, मगर बाकी ये नेटवर्क मेरे को दिक्कत तो लग रही है करनाल में तो मोस्टली, और अगर आप सभी को भी लग रही है तो एग्री करें मेरे भाई को, लाइक करें इस वीडियो को और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करें और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस होती है। अगर यही सारी फेस होती है तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेम प्रॉब्लम आपको ये फेस हो रही है आपके नेटवर्क पे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, मगर मुझे लग रहा था कि भाई सही रहेगा या नहीं, मगर अब जो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी तक सही नहीं कर रहे, मैं कई सर्विस सेंटर में जो ये है कस्टमर केयर सेंटर वहाँ भी गया, वहाँ भी मैंने बात की, उन्होंने 15 तक ठीक हो जाएगी, 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, 24 घंटे में ठीक हो जाएगी, ऐसे ठीक हो जाएगी वैसे ठीक हो जाएगी, वो अभी तक सही नहीं हुई है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम से कंप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तक ब्रॉडबैंड भी सही नहीं है कंपनियों के, उसमें भी ऐसे है कि यूजर्स ज़्यादा हो गए, ये कुछ उनकी बात नहीं बनी कि यूजर्स ज़्यादा हो गए तो नेटवर्क कम होगा, ये कुछ बात बिल्कुल नहीं बनी। हम मानते हैं चलिए यूजर ज़्यादा हो गया इसकी वजह से हो सकता है, हाँ ये एग्री करता हूँ मैं कि यूजर ज़्यादा की वजह, मगर उनको एक्शन तो लेना चाहिए इसके खिलाफ कि भाई यूजर ज़्यादा हो या तो यूजर्स को रोके, मतलब ऐसे नहीं कि नए यूजर आने रोके, या नेटवर्क बढ़ाए, टावर्स बढ़ाए यहाँ अपने आसपास जितने भी है जितनी भी जगह है। अब ये तो नहीं है, ये तो फिर वही बात होगी लैंडलाइन की तरह, हम घर में बैठ के बात कर सकते हैं, और इसमें क्या है हम घर के बाहर जाके बात कर सकते हैं, घर में बात कर ही नहीं सकते फ़ोन पे, नेटवर्क नहीं आते, टावर फुल हो गए नेटवर्क नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, फ़ोन आएगा नहीं, कई बार नॉट रीचेबल बताता है, कई बार कॉल ड्रॉप हो जाती है, कई बार किसी और को फ़ोन लग जाता है, और कई बार वॉइस सही से नहीं आती, मतलब ये इतनी प्रॉब्लम पहले इतनी नहीं थी, अब जो यूजर्स की वजह से हो गई है वो कंपनी को ध्यान दीजिए, ये यूजर्स की गलती नहीं है, ये कंपनी की गलती है। और बात क्या करते हैं, हम डेली का 1 GB यूज़ कर रहे हैं, वो ये बात भी रख देते हैं कि हमने डेली का 1 GB यूज़ किया, हाँ यूज़ किया, वो हमको पता है ना हमने कैसे यूज़ किया, हमने कैसे यूज़ हुआ है वो कैसे कैसे, चलो 1 GB डेली का यूज़र मतलब स्पीड अच्छी आ रही, ये कोई बात नहीं बनी, 1 GB अगर स्पीड अच्छी हो तो 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाती, 1 दिन नहीं लगता। तो यही बात है कि भाई यूजर्स की वजह से ये कुछ बहाना इनका कंपनी का बना नहीं, कंपनी को लेना चाहिए एक्शन इस बात पे। और आप सभी ये एग्री करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, मैं फैसे कर रहा हूँ, और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी भी सेम प्रॉब्लम है नहीं। तो आज के लिए इतने, अगले बार मैं क्या और अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी बातचीत चलता हूँ, मैं टाटा बाय बाय सायनारा, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, इसी तरह लेकर आता हूँ फ्रेश न्यूज़ और फ्रेश बातचीत।